अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, तो कैसे हैं आप सब और आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन मायो चीज़ सैंडविच। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए इसके बनाने की तरफ चलते हैं। मैंने चिकन को अदरक लहसुन ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालकर उबाल कर श्रेड कर लिया है। अब इसमें मैं मिलाऊँगी शिमला मिर्च और कांदा। तो शिमला मिर्च को मैंने चॉप करके रख लिया है, देखिए मैंने इसे चॉपर में बारीक चॉप किया है। अभी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है शिमला मिर्च, इसलिए मैं थोड़ी साइड में रख लेती हूँ। मैंने इसमें चिकन में अपने शिमला मिर्च डाल दिए, आप बहुत ज़्यादा भी मत डालना वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इसमें अपना चॉप किया हुआ अनियन डालती हूँ। तो अनियन भी मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, एक ही अनियन कट किया था मैंने, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं ये तीनों चीज़ों को अच्छे से हाथों से मसल के मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैं अपनी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी मेरी सारी चीज़ें मिक्स अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मैंने थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हम इसे पकाएंगे नहीं, ये कच्चा ही मसाला होगा। वेजीज एंड चिकन तो ऑलरेडी पका हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे सिर्फ मामूली सा फ्लेवर के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मायोनीस। तो देखिए मैंने आधा कटोरी मायोनीस लिया हुआ है, मायोनीस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहना चाहिए जिससे हमारे सैंडविच का जो मिक्सचर है उसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो जाएगा। तो देखिए मैं मायोनीज डाल के भी इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर देती हूँ। मायोनीज डालने के बाद अब अच्छे से मिक्स करना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। अब मैं ऐड करूँगी अमूल का मोज़रेला चीज़। तो मैंने फ्रीज़र में रखा था इसलिए थोड़ा ठंडे की वजह से जम गया है। तो अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा ऐसे हाथों से श्रेड करके अपने मिक्सचर में डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप नॉर्मल आपके पास चीज़ क्यूब होगा तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हो, अगर आपके पास स्लाइस होगा तो आप स्लाइस को भी डाल के अच्छे से उसको हाथों से मसल के पूरे मिक्सचर को एक कर सकते हो। तो अभी मैं चीज़ डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिला लूँगी। देखिए तो ये मेरा मिक्सचर प्रॉपर कितना अच्छे से मिक्स हो गया है, सब चीज़ें एक दूसरे में मिल गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट हम जहाँ पे चीज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा ही सॉल्ट डालना चाहिए क्योंकि चीज़ ऑलरेडी सॉल्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और थोड़ा ब्लैक पेपर डाला है। ये दोनों चीज़ों को भी डालकर मैं अपने मिक्सचर में अच्छे से मिला लूँगी। देखिए तो ये मेरा सब अच्छे से मिल गया है, मुझे थोड़ा क्रीमी कम लग रहा है, मायो कम लग रहा है, तो मैंने थोड़ा और 2-3 चम्मच मायोनीज इसमें ऐड करके इसको मिला लिया। अब चीज़ें पूरी एक साथ अच्छे से मिल गई है, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है, आप ज़रूर बनाना, ये बहुत क्विक भी बन जाता है। तो अभी मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया है, ब्रेड के स्लाइस पर मैं एकदम मामूली सा हल्का सा बटर लगाऊँगी। अगर आप चाहे तो आप इसमें ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो या हल्की सी शेजवान चटनी भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पर सिर्फ बटर का यूज़ कर रही हूँ। और बटर लगाने के बाद आप थोड़ा इसका फिलिंग हल्की मत भरना, थोड़ा ज़्यादा फिलिंग भरना ताकि ये थोड़ा ऐसे मतलब हैवी सैंडविच दिखे। तो मैं अच्छे से चारों तरफ इसके फिलिंग अच्छा मोटी फिलिंग लगा दूँगी और अभी मैं इसको टोस्ट करने वाली हूँ। तो ऐसा मैं अपने
सारे सैंडविचेस रेडी कर लूँगी। तो देखिए मैंने अपने सारे सैंडविच बना लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो अब भी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिए। और अभी मैंने अभी इसको टोस्ट करना है, तो मैंने अपना तवा चढ़ा दिया है। मैं ब्रेड पे एक साइड हल्का सा बटर लगाऊंगी और इसे टोस्ट कर लूँगी। अगर आपके पास टोस्टर है तो आप टोस्टर भी यूज़ कर सकते हो। मुझे थोड़ा क्विक करना था इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पैन में ही टोस्ट कर रही हूँ। तो एक एक करके अपना सारा सैंडविचेस टोस्ट कर लीजिए दोनों तरफ हल्का हल्का बटर लगा के। तो मैं अपने सैंडविच का एक साइड से कलर चेक करने के बाद इसे पलटा देती हूँ दूसरी तरफ के लिए। टोस्ट करने के बाद मेरा सैंडविच एकदम क्रिस्पी हो जाता है। तो मैं इसे अच्छे से हल्का सा प्रेस करके दोनों तरफ से पका लूँगी। आप इसे स्लो फ्लेम पर ही टोस्ट करना ताकि जो ब्रेड है हमारा वो नीचे से ब्लैक ना हो। देखिए तो मेरा सैंडविच रेडी हो गया टोस्ट होके। अभी मैं इसे प्लेट में निकाल कर पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे कट कर दूंगी। देखिए तो ये मेरा कितना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है सैंडविच का, और चीज़ बुल भी देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा सैंडविच रेडी है सर्व के लिए। तो आप गर्मा गर्म बनाइए और इफ्तारी में सर्व कीजिए। और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर